तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर और चैप्टर आज हम वन पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन सा चैप्टर वन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सबको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं ना। जैसे जब भी हम सो के उठते हैं सुबह सुबह, तो जैसे हम अपने पापा को, मम्मी को, दादा दादी को, दीदी को, भैया को, किसी को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वैसे ये लड़की जो है ये सबको गुड मॉर्निंग कह रही है। अभी किन किन को गुड मॉर्निंग कह रही है हम ये देखेंगे। ये स्काई को गुड मॉर्निंग कह रही है। स्काई मतलब आसमान। गुड मॉर्निंग स्काई। स्काई को गुड मॉर्निंग कह रही है। सन को गुड मॉर्निंग कह रही है। बोल रही है गुड मॉर्निंग सन, ऐसे ही। और वैसे ही ये बोल रही है गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स, मतलब छोटी छोटी हवाएं नहीं आती सुबह सुबह, थोड़ी बहुत ठंड होती है सबको आती है, तो हवा चल रही होती है थोड़ी बहुत, जो भाग रही होती है ना हवा, जल्दी 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 भाग जाऊँ मैं, पर वो थोड़ी थोड़ी होती है। वैसे गुड मॉर्निंग बर्ड्स, ये बर्ड्स को भी कहती है गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग ट्रीज, ट्रीज मतलब ये ट्रीज है ना, इन्हें भी गुड मॉर्निंग कहती है ये। गुड मॉर्निंग क्रीपिंग ग्रास। क्रीपिंग ग्रास क्या होता है? ऐसे ऐसे जो क्रीपिंग, जो हवा चल के ऐसे ऐसे नहीं होती, उन्हें हम क्रीपिंग ग्रास कहते हैं। वैसे ही एंड ब्राउनी बीज। बीज क्या होता है? ये मधुमक्खियाँ नहीं होती, ये बीज होती हैं। हनी जब हम जो खाते हैं ना, ये बीज ही तो हनी फ्लावर में से इकट्ठा करके बनाती हैं, वो ही ब्राउनी बीज। हाँ, हाउ डिड यू नो फाइंड आउट इट वॉज डे? तुम्हें कैसे पता वो डे था, है ना? वो हमें कैसे पता चला कि वो सुबह हो चुकी है? हु टोल्ड यू नाइट हैज़ गॉन अवे? तुम्हें किसने बताया कि रात चली गई है? द वाइंड वेक अप। मैं उठ चुकी हूँ। आई एम अप नाउ टू। और वो बोलते हैं हम सब भी अब उठ चुके हैं। राइट बी राइट आउट टू प्ले विद यू। अब मैं बाहर आ रही हूँ तुम्हारे साथ खेलने। ये सुबह सुबह बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलने आ रही हूँ, ठीक है? फिर हमारे हैं न्यू वर्ड्स। क्रीपिंग मैंने आपको बताया था, जो हवा चलती है जो, तो घास वास उड़ती है ना, उन्हें क्रीपिंग कहती है, क्रीपिंग ग्रास। ऐसे अवेक मतलब उठना, जब हम उठते हैं ना सुबह, तो उसे अवेक कहते हैं। गॉन अवे मतलब जा चुका है। गॉन अवे जैसे बता रहे हैं ना, तुम्हें किसने बताया रात चली गई है, है ना, वैसे ही गॉन अवे। रीड इज़ फन, रीडिंग इज़ फन। तो अब रीडिंग इज़ फन पे क्वेश्चन आंसर्स पे हम आते हैं। व्हाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? जो ये लड़की है वो हैप्पी क्यों है? द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज द नाइट हैज़ गॉन अवे। ये हैप्पी है क्योंकि रात चली गई है। To whom does the child say good morning? किस किस को जो child थी वो good morning कहती है? The child say good morning to sky, sun, little winds, birds, trees, creeping grass and brownie bees. इन सबको ये good morning कहती है। What does the child want to do? जो child थी वो क्या करना चाहती थी? चाइल्ड बाहर आकर अपने जिनको गुड मॉर्निंग कहा था उनके साथ खेलना चाहती थी। तो चाइल्ड वॉन्ट टू प्ले विद ऑल द एनिमल्स हुम द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये एक्सरसाइजेज हैं, ये वाली एक्सरसाइज जो ये वर्ड बिल्डिंग है, इसमें क्या है, डे, डे में क्या होता है, जैसे कि डे में आप ये सन बना सकते हो और राइट में मून बना सकते हो, ठीक है? राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। यहाँ पर आपने दो पिक्चर्स बनानी है, तो आप यहाँ उनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब ये सॉन्ग शुरू हो जाता है और अगले चैप्टर, अगली वीडियो में हम द मैजिक गार्डन पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।